बैंकिंग के अपने इस डिस्कशन में आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंकिंग के, यानी कि व्यावसायिक बैंकिंग की। तो अब कॉमर्शियल बैंक दरअसल क्या होता है, फिर व्यावसायिक बैंक क्या होता है। सबसे पहले मैं ये एक फर्क करना चाहूंगा, क्योंकि एक बैंक है जिसका नाम ही कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया है, तो आप ऐसा कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप ऐसा किसी भी तरह की गलती मत कीजिएगा कि मैं केवल उस बैंक की बात कर रहा हूं। मैं जनरली कॉमर्शियल बैंकिंग की बात कर रहा हूं, ऐसी बैंकिंग जो कि एक व्यापार, एक व्यवसाय की तरह की जाती है, उसका कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया से कोई संबंध नहीं है। कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया भी एक कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन बाकी बैंक भी कॉमर्शियल बैंक के अंदर ही आते हैं। तो अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि बैंकिंग एक व्यवस्था के तौर पर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे वो ज्यादा मजबूत होती गई, तो दुनिया के देशों में अलग अलग तरह से बैंकों का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में अगर हम बैंकिंग के इतिहास में जाएं तो सन 1881 में पहली बार अवध व्यावसायिक बैंक या अवध कॉमर्शियल बैंक जिसको हम कहते हैं, उसकी स्थापना हुई। अवध हम सभी को पता है, या शायद नहीं पता हो आपको, कि अवध जो एक लखनऊ के आसपास का जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, एक तरह से पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ, जो अवध की राजधानी थी, उसके आसपास का जो इलाका है उसको अवध कहा जाता है। तो अवध व्यावसायिक बैंक भारत का पहला कॉमर्शियल बैंक था। उसके बाद अब ये बैंक नहीं है, तो 1894 में वो बैंक बना जो कि आज भी है, आप सबने नाम सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर आपसे कई बार क्या होता है कि ये चीजें आपको कुछ कुछ इसलिए पता होनी चाहिए, कई बार प्री में चार जो चीजें आती हैं, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, जिनमें से आपको बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, उनमें एक स्टेटमेंट इस तरह का सामान्य सा स्टेटमेंट डाल दिया जाता है कि अभी जो बैंक एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे पुराना बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। आपको बताना होता है कि सही है कि नहीं, जो दो स्टेटमेंट होते हैं बोथ 1 और 2 आर करेक्ट या खाली 1 इज करेक्ट। तो आपको उस केस में कई बार इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की जानकारी के कारण आपके कुछ मार्क्स बच जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक जो बनाया गया, वो अभी भी जो बैंक चल रहे हैं उनमें से भारत का सबसे पुराना बैंक है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स भारत आए, तो ब्रिटिशर्स इस समय भी वो भारत में थे, ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि अपनी राज्य व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको बैंकिंग व्यवस्था की जरूरत थी। उनको बैंक चाहिए थे जहां के जरिए वो है ना चीजें जमा कर सके, पैसा जमा कर सके, पैसा निकाल सके, लोगों की तनख्वाहें दे सके, बहुत सारी चीजों के लिए उनको बैंकिंग की जरूरत थी। तो उन्होंने इंपीरियल बैंक शुरू किए, ब्रिटिशर्स ने भारत में इंपीरियल बैंक शुरू किए, और सबसे पहले उन्होंने तीन बड़े शहरों में, तीन जो प्रेसिडेंसीज थी, तीन जो बड़े राज्य थे, उनमें इंपीरियल बैंक बनाए। अब ये इंपीरियल बैंक जो बनाए गए, ये अगर आपको इनका ऑर्डर याद करना है तो बहुत ही सिंपल है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाइए आपको समझ में आ जाएगा। पहला बनाया गया बंगाल में, इंपीरियल बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बनाया गया बंबई में, और तीसरा बनाया गया मद्रास में। ये तीन इंपीरियल बैंक अंग्रेजों ने भारत के अंदर बनाए अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब इन्हीं इंपीरियल बैंक का नाम बाद में बदलकर वो कर दिया गया जो आज शायद भारत में सबसे, शायद नहीं, आज की तारीख में भारत में सबसे बड़ा बैंक है, यानी कि स्टेट बैंक। स्टेट बैंक हम तभी जानते हैं कि ये सिर्फ एक नहीं है, उसकी बहुत सारी सब्सिडियरीज हैं। आजकल एक बातचीत चल रही है कि धीरे धीरे उन सब्सिडियरीज को मर्ज करके एक बड़ा बैंक बनाया जाए। तो आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफकोर्स सबसे बड़ा बैंक है, उसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, बड़ौदा, ये सारी सब्सिडियरीज भी आज भी हैं। तो ये सारे अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं, इसीलिए स्टेट बैंक की ये सारी सब्सिडियरीज हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण एक जो ऐतिहासिक भाग था बैंकिंग का, वो ये था।
अब भारतीय बैंकिंग में, यहां पे हम बैंकिंग के इतिहास की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बैंकिंग में हमको तथ्य समझने की ज्यादा जरूरत है इतिहास को याद करने की बजाय। तो अब बैंकिंग में उसके बाद जब बैंकों को रेगुलेट करने की बात आई कि कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए कि एक एक महत्वपूर्ण एक एक व्यवस्था बना देनी चाहिए जिसके जरिए बैंकों को नियंत्रित किया जा सके, तो क्या किया गया, 1934 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया जिसको हम आरबीआई एक्ट कहते हैं। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई और उसके जरिए अनुसूचित बैंक जिनको हम अंग्रेजी में या फिर ज्यादा पॉपुलर तरीके से शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, इनकी स्थापना की गई। शेड्यूल्ड बैंक बेसिकली वो बैंक है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, सीधी सीधी भाषा में इतनी सी बात होती है, जो आरबीआई के साथ जो बैंक रजिस्टर्ड है वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। आरबीआई एक्ट के तहत दो ऐसी शर्तें रखी गई हैं किसी बैंक के अनुसूचित बैंक होने के लिए, एक तो जो उसकी कुल संपत्ति हो वो उस समय, याद रखिए 1934 की बात है इसलिए आपको नंबर बहुत ही मतलब एब्सर्ड लगेगा, कुल संपत्ति जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो। तो आज 5 लाख रुपए एक बैंक में होना बहुत ही मामूली बात है लेकिन उस समय शायद नहीं थी। और दूसरा ये है कि बैंक जो होगा वो अपने निवेशकों के हित में काम करेगा। बैंक का जो मकसद होगा वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो मुनाफा नहीं होगा, वो निवेशकों का हित होगा। तो बैंक को ऐसे व्यवहार करना है, ऐसे आचरण करना है जिससे जो भी निवेशकों के हित हो उनमें ही काम किया जाए और निवेशकों के खिलाफ बैंक काम नहीं करेगा। तो धीरे धीरे इस तरह से भारत की बैंकिंग व्यवस्था एक सुचारू रूप से चालू हुई और अलग अलग प्रकार के बैंक भारत में बनाए गए और यू नो ये सब चीजें बहुत एक एक आवश्यक तरीके से भारत में एक पूरी बैंकिंग की व्यवस्था लाई गई। अभी इस बैंकिंग के इतिहास में 1969 और 1980 ये दो बड़े महत्वपूर्ण साल हैं। दोनों सालों में इंदिरा गांधी की सरकार थी भारत में, क्योंकि इनमें जो किया गया वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंदिरा गांधी जैसा कि हम सभी जानते हैं काफी एक समाजवादी विचारधारा वाली नेता थी, उनकी एक सोशलिस्टिक एक सोच थी। तो उन्होंने क्या किया कि 1969 में उन्होंने 14 बैंकों का और 1980 में जब उनकी सरकार वापस आई तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब यह है कि ये सारे बैंक उस समय पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गए। इन बैंकों का सारा चलने का तरीका, इनका सारा यू नो ऑपरेशंस, इनकी सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ गई। 1969 में कुल 50 करोड़ से ऊपर संपत्ति वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1980 में 200 करोड़ से ऊपर वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब ये जो निर्णय है ये एक विवादास्पद निर्णय रहा, इस पर हमेशा से अलग अलग विचारधाराएं आपस में बात करती रही कि ये सही हुआ या गलत हुआ। उस समय जो जो इसको करने का जो कारण था, जो मोटिव था, वो ये था कि कहीं ना कहीं बैंकिंग जो थी वो सबके लिए उपलब्ध नहीं थी। बैंकिंग जो एक सुविधा के तौर पर उसका जो पेनिट्रेशन था, उसकी जो पहुंच थी, वो हर जगह तक नहीं हो पा रही थी क्योंकि बैंकों को ऐसा लगता था, बैंक जो थे वो कुछ व्यक्ति चलाते थे, निजी क्षेत्र में बैंक चलते थे, तो बैंकों को ऐसा लगता था कि जहां पर, क्योंकि ये व्यावसायिक बैंक थे, तो जहां पर ज्यादा बिजनेस होगा, जहां पर ज्यादा धंधा होगा, बैंक वहां पर होते थे। तो बड़े बड़े शहरों में तो बैंक थे लेकिन एक बहुत ही क्लियर, एक बहुत ही स्पष्ट शहर और गांव का डिवाइड बन गया था। गांव में, पिछड़े इलाकों में बैंकों ने अपनी शाखाएं नहीं खोली थी, बैंकों ने अपनी सुविधाओं का विस्तार इन सारे क्षेत्रों में नहीं किया था जो कि पिछड़े हुए थे, जहां पर लोगों के पास पैसे नहीं थे, जहां उद्योग धंधे नहीं थे, जहां व्यवसाय नहीं थे। इंदिरा गांधी चाहती थी या उस समय सरकार का मत यह था कि बैंकों की जो पहुंच है वो देश के कोने कोने में होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने बैंकों को अपने नियंत्रण में लिया और उसके बाद ऐसी अनेकों स्कीम्स लाई गई जिसमें बैंकों को टारगेट दिए गए कि आपको गांवों में भी शाखाएं खोलनी है।
तो बैंकों ने गांवों में शाखाएं खोलनी शुरू की और धीरे धीरे इस तरह से ये प्रोसेस चलना शुरू हुआ। ये एक महत्वपूर्ण एक इवेंट था। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कुछ 23 नई बैंकिंग बैंकिंग यूनिट्स को शामिल किया है, जिनमें से दो एक पूर्ण बैंक हैं, दो पूर्ण बैंक हैं जो आपको आई थिंक अब कुछ आई थिंक एक आध दो साल में आपको हर जगह दिखने शुरू हो जाएंगे। एक है बंधन बैंक और एक है IDFC बैंक। तो आप देखेंगे कि सरकार ने बहुत सारे सालों तक, RBI ने बहुत सालों तक बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखा, उनकी जांच परख की और उसके बाद सिर्फ दो बैंकिंग लाइसेंस इश्यू किए। तो बैंकिंग उसमें भी काफी एक मैंने शर्तें लगाई गई हैं कि इनका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और बहुत बहुत सारी शर्तें लगाई गई हैं। तो आइडिया ये है कि सरकार बैंकों को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क रहती है, क्योंकि बैंक एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों का पैसा लगा होता है, उद्योगों का पैसा लगा होता है। तो अगर बैंक फेल होना शुरू करते, जैसा कि अमेरिका में 2008 में हुआ था जब आर्थिक मंदी आई थी, अगर बैंक फेल होना शुरू कर दे, अगर एक बैंक फेल हो जाए तो उद्योग को पैसा कौन देगा, उद्योग को पैसा कौन देगा, जनता को कर्ज कौन देगा, और अगर उद्योगों को पैसा नहीं मिलेगा तो औद्योगिक विकास कैसे होगा। तो बैंकों का फेल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती किसी भी संस्था किसी भी व्यवस्था के लिए होती है। तो सरकार ने इस तरह से सिर्फ दो लाइसेंस दिए, उसके अलावा सरकार ने 11 पेमेंट बैंक चालू किए। तो पेमेंट बैंक जो है वो बहुत ही सीमित बैंक्स हैं, वो पूर्ण बैंक्स नहीं है, उनको लिमिटेड अधिकार दिए गए हैं, उन्हें कुछ कम अधिकार दिए गए हैं। वो लोगों के पैसे जमा कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, लेकिन वो चेक या ड्राफ्ट नहीं बना सकते। इस तरह से उन्हें उनके अधिकार लिमिटेड है। तो पेमेंट बैंक में एयरटेल मनी का नाम आपने सुना होगा, वो उसको पेमेंट बैंक बनाया गया है। आजकल बड़ा मशहूर हुआ था नोटबंदी के समय पेटीएम भी एक पेमेंट बैंक है। तो ये एक भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का छोटा सा खाका था जो मैंने आपके आगे खींचा, और अब हम एक और यू नो इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।